ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸਿੰਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि आखिर की वजह सी कि रात दे अंधेरे विच ठेकेदार काम करदा होया इत्थों भज्जिया किन्नी गड़बड़ी है की सही मटीरियल रगना चाहिदा है अते की लगाया जा रहा है। हाँ जी पुरी साहब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जी ये जो मिट्टी है ये कब 6 इंच से भी ऊपर मिट्टी डाल रखी है, इसका लेवल काफ़ी ऊंचा जो उठा रखा है, जो लेवल ओरिजिनल है वो लेवल बनना चाहिए था सड़क का। ये सभी गलियों का जो गौर सुप्रीम कोर्ट की नियम है, सुप्रीम कोर्ट की एक धारा उन्होंने लागू की है, उसके अनुसार उसी लेवल पर सड़क बननी चाहिए जिस लेवल पर थी। इसके नीचे से इनको खोदना चाहिए था, खोद के 6 इंच की जो लेवल है पत्थर डालना चाहिए था, 6 इंच उसके ऊपर रोलर चलाना चाहिए था, प्योर मिट्टी डाल के उसकी लेवलिंग करनी है। जैसा भाई साहब ने कहा बहुत बढ़िया कहा, भी लेवलिंग एक बार की जाती है सारी की साथ साथ की रोलर चलाया गया सर? नहीं जी यहाँ पे रोलर नहीं चला। और पानी का छिड़काव कितनी दफा हुआ है रोलर चलाने से पहले? मेरे ख्याल से एक ही बार हुआ क्योंकि रात को ही काम करते हैं और रात को एक ही बार होगा। मतलब ये जो गली बन रही है ना जी, ना तो इसके ऊपर रोलर फिरा है। लेबल की बात की जाए सर, लेबल की बात की जाए, लेबल लेबल है ही नहीं जी। आप नहीं आप हाँ उधर से देखोगे ना, आप उधर पहली साइड से देखोगे लेबल ऊंचा कर रहे हैं। मैम भी पैसे खाते हैं ठेकेदार हमारे यहाँ, मैम इनके हक में ऐसे सारे में। ये देखो गली लेबल ऊंची है मैम, कॉर्नर पे भी हमारी मिट्टी उड़ती है, सारे दिन परेशान करते हैं खोद कर इसको पहले नीचे जो इनको लेवल निकालना चाहिए था, निकाल के प्रॉपर लेवल। और यही जो SDO एक्सीएन जो अपने कमरों में बैठे हैं वहाँ बिल बना रहे हैं बैठकर, वो उनको आना चाहिए मौके पर जब रात को काम होता है। हाँ सुबह के फोन करें कोई नहीं, तो उनको आना चाहिए। ये साहब को भी अगर बार बार ये वीडियो दिखाई जाती है आपके चैनल के माध्यम से, आपका जो चैनल है 50 बार उनको 50 गलियों का चैनल दिखा चुका है वीडियो, परंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की किसी गली में। इसमें तो क्या करेंगे, वो सुनते ही नहीं है। कल कमल गुप्ता जी मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी किसी गली का सुना नहीं, कुछ नहीं सुनते वो, बस सिर्फ ये अपना निकाली ठेकेदार को फायदा बचाया, अपने फायदे के लिए काम कर रहे। ये सारा काम मतलब भ्रष्टाचार वहां जो ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है मिट्टी के। हाँ जी मैंने हमने रात को ये कर रहे थे, काम कर रहे थे रात को, हमने इनके पास आए, हमने कहा दुर्मट मार के कि आप यहाँ पे टैग लगा दो, ये मिट्टी दब रही है, टैग पे पैर रख रहे हैं, टैग नीचे दब रही है, पर ये कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी मांगी। क्या मौके पे ठेकेदार कोई मौजूद नहीं था, उनके फादर साहब मौजूद थे, अंकित बा कोई ठेकेदार यहाँ मौजूद नहीं था, उन्होंने आके गलत कार्रवाई की है, कोई काम बराबर नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई पानी का छिड़काव नहीं है, सारे कैमरे सबूत है यहाँ के, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे इनके रिश्तेदार हैं, ये इनका बयान इसी कारण है, इनके पास फोन आते हैं, इनके पास आते हैं यहाँ पे कोई इनकी एक भी कोई एनिया 6 इंच का पत्थर डाला, कोई रोलर एक बार भी नहीं फिरा, ना कोई पानी का छिड़काव हुआ। अगर पानी का छिड़काव हुआ होता तो ये मिट्टी इस तरह नहीं उड़ती कहीं भी। कोई आप देखो वहां से चलो जहाँ सड़क बनी है, कोई भी एक लेवल बराबर हो तो, कोई भी एक लेवल ऊपर नीचे सड़क, कोई मिट्टी का लेवल कैसे निकालते हैं? ये लेवल निकलता है एक टाइम में, फर्स्ट टाइम में, कोई लेवल एक टाइम भी बराबर नहीं है। कोई यहाँ पे गिर दिया, हमारी शोरूम के आगे टैग रख जाते हैं, दो दिन हम चक्के वहां गिरनी पड़ती है। इस दुकान में 60-70 रेंट देते हैं, 12-12 लड़कियां कैसे हम पूरा करेंगे? आज एक महीने से हम परेशान है, रोज इनको ठेकेदार को फोन करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, माल नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। सड़क पार में पहले देखना था। धन्यवाद। Hi, my name is Badal Mirza and I have been studying in the Magnus Language School for about a month now, and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone, as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Kaurvik and I'm studying in Magnus Language School, and I have been here in for 10 days and I have been learning from continuously channels and I have improved my English very well.